मधुमेह मुक्त धरा अभियान के अंतर्गत कल्याण के वादबा हॉल स्पोर्ट्स क्लब आधारवाड़ी में रविवार 7 जुलाई को विश्व स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में एस्ट्रो मेडिसिन के माध्यम से डायबिटीज नामक बीमारी को कंट्रोल ही नहीं बल्कि पूरी तरह जड़ से समाप्त करने के उपाय बताए गए। मधुमेह मुक्त धरा अभियान के अंतर्गत आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विश्व प्रसिद्ध नक्षत्र गंता ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी एवं डॉक्टर वंदना झा ने विश्व स्तरीय सेमिनार में मधुमेह को धरती से मुक्त करने की बात कहते हुए कहा कि ज्योतिष को हम विज्ञान मानते हैं और इसके जरिए संपूर्ण धरती को मधुमेह से मुक्त किया जा सकता है। समग्र उत्थान संस्था के संयोजक एडवोकेट प्रकाश पांडे और सेमिनार के आयोजक विकास पांडे का दावा है कि एस्ट्रो मेडिसिन के जरिए देश भर में 821 डॉक्टरों को मधुमेह से मुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी के साथ कल्याण के उद्योगपति विकास पांडे, संयोजक एडवोकेट प्रकाश पांडे, HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भास्कर पांडे, उद्योगपति गिरीश पांडे, अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश बावरा सहित तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आकिब शेख, जी वार्ता न्यूज। ये विज्ञान और वेद दोनों के संयुक्त प्रयास से युक्त पिछले 12 वर्षों पर 1,37,000 लोगों को बिना दवा के डायबिटिक मुक्त किया गया है, जिसमें 827 केवल चिकित्सक हैं जो इंसुलिन किसी न किसी रूप से लेते थे, और इसमें व्यक्ति के अंगूठे की छाप या उसका सिग्नेचर अध्ययन करने के बाद उसके जन्म का जोन जान लिया जाता है कि वो जनवरी फरवरी मार्च के बीच में कहाँ पैदा हुआ, उस पर चंद्रमा की किरणें कितने अंश की पड़ती हैं और चंद्रमा की किरणों के अंश के आधार पर उसको पर्टिकुलर 7 समुद्रों की बालू में से हिंद महासागर, अरब सागर, काला सागर, लाल सागर, ये भूमध्य सागर, ये इन प्रशांत सागर, ये 7 समुद्रों के बालू में पाए जाने वाले 12 प्रकार के नमक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रीमियम, नाइट्रोजन, इन संबंधित जितने लवण हैं यानी नमक, ये सोडियम क्लोराइड है और इनके स्पर्श मात्र से तकिया के रूप में व्यक्ति के वजन के 1/100 भाग की बालू उस महासागर की अगर रख दी जाती है उसके सिरहाने, तो 22 दिन या 220 दिनों में व्यक्ति पूर्णतः इस रोग से मुक्त हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट 1.5 लाख के ऊपर हो चुका है। नंबर 2, अगर व्यक्ति फॉरेन बॉडी यानी जैसे मांसाहार अगर वो करता है तो बाहरी शरीर की प्रोटीन उसके हीमोग्लोबिन में मिल जाने के कारण उसको दूर करने के लिए जौलाई या बथुआ, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट और नाइट्रेमियम सल्फेट, ये कैल्केरिया फ्लास, ये 3 प्रकार के लवण बथुआ और जौलाई में पाए जाते हैं, उनको खाने से शरीर के अंदर मांसाहार से की प्रोटीन के रूप में आए हुए हीमोग्लोबिन को भी दूर कर उसको पूर्णतः डायबिटिक मुक्त कर दिया गया है।